रांची एकांके प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, घुसखोरी और विशेषकर रहुआ आवास योजना में हो रही घुसखोरी और वसूली के खिलाफ भाजपा नेता कमलेश राम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी कर दी। ज्ञात हो कि कुछ महीने पूर्व कमलेश राम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रखंड की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की थी, लेकिन वीडियो द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर कमलेश राम ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है। वीडियो सीरियल घूस लेना बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पैसा उगाही करके काके प्रखंड कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं और वीडियो जिस हमारी फोन में बात हुई थी कि वो रहेंगे कहे थे, उनको मैंने आज से लगभग डेढ़ महीना पहले का आवेदन दिया था, ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि अबुआ आवास में प्रखंड क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ी हो रही है और 20,000 से 30,000 रुपया घूस लिया जा रहा है तब उसको घर मिल रहा है और जिसका घर है उसी को घर और फिर दिया जा रहा है। इस प्रकार का भी सूचना मैंने प्रखंड विकास प्राधिकारी को दिया था और जो एक्चुअल में गरीब है जिसका घर रहने लायक नहीं है, एक रूम का है और किसी तरह करके खपड़ा घर में रहता है और वो घर भी एक रूम में रहने लायक ही घर नहीं, वैसे घर को पहले घर मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है अबुआ आवास के नाम पर पैसा का वसूली कर रही है। ये अबुआ आवास योजना जो है, इसलिए मैंने कहा था कि बबुआ आवास योजना है, पहले ही कहा था कि अबुआ आवास योजना का लाभ जरूरतमंद को नहीं मिल रहा है और ये सिर्फ योजना लाकर पैसा का उगाही करके वीडियो या पैसा उगाही कर रहा है और वीडियो जाके पैसा सरकार तक पहुँचा रहा है। मैं इसका आशंका पहले बताया था, आज मैं यहाँ कहने आया हूँ, वीडियो साहब अगर होंगे तो हम लोग उसे मिलेंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि सरकार